पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। अब इस रसोई को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस पर सरकार ने तय किया है कि रसोई का दायरा बढ़ाया जाएगा। आने वाले साल में इस रसोई के जरिए करीब 14 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि खाने की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाएगा। लगातार पोर्टल के जरिए मिल रहे सुझावों और शिकायतों के आधार पर खाने को और ज़्यादा पौष्टिक बनाया जाएगा। अभी रसोई से 8 रुपये में भोजन लोगों को दिया जा रहा है और सरकार 17 रुपये वहन कर रही है। लगातार निकायों के जरिए सरकार रसोई पर पूरी निगरानी रख रही है। अब तक सरकार 967 रसोई खोल चुकी है। इसके जरिए 8,70,00,000 लोगों को भोजन कराया जा चुका है। राज्य सरकार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस योजना को भुनाएगी। जनता के बीच योजना की जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें बताया जा सके कि किस तरह सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया है। यही नहीं, लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों और कोविड से ग्रसित मरीजों के परिजनों को मुफ्त भोजन कराया था।